इस गणेश विसर्जन के दिन आज दूर दराज से लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे पूजा पाठ करके उनकी स्थापना जो है वो की जाती है। लोग अपने घरों में गणपति को लेके जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उनकी 10 दिन की पूजा के बाद आज चंद्रभागा के किनारे यहाँ पे अपने अपने घरों से अपने अपने मोहल्ले से आज गणपति की जो प्रतिमा है मूर्ति है उनको लाया जाता है और धूमधाम से गणेश विसर्जन जो है वो आज चनाब रिवर चंद्रभागा के किनारे आके जियापोता घाट पे जो है उनको विसर्जन किया जाता है। उनकी विदाई जो है वो की जाती है। मैं आपको लाइव दृश्य जो है वो जियापोता घाट के चंद्रभागा तट पे हैं हम और यहाँ से लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। कुछ लोग नाच के खुशी मना के आज गणपति बप्पा को यहाँ से विदा किया जा रहा है और बड़ी एक उत्साह एक लहर जो है खुशी की वो इन लोगों में वो इन भगत जनों में है वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें फिर गणेश चतुर्थी के दिन इनकी स्थापना की गई पूजा अर्चना के साथ। कहते हैं गणपति गणेश जो है वो सबसे पहले पूजा अर्चना की जब भी बात आती है तो गणपति का नाम जो है वो पहली बार पहला नाम जो है वो गणपति का लिया जाता है। गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं और खुशियां लेके आते हैं समृद्धि लेके आते हैं। जिस तरह से अगर कहा जाए कि कोविड-19 महामारी से लोग जो जूझ रहे थे आज गणपति को अपने घरों में लाके एक ही जो दुआ मांग रहे हैं भगवान से कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए लोगों महामारी से बच जाए और कहीं ना कहीं उनको राहत की चैन की सांस जो है वो ली जाए। मैं आपको बता दूं मैं अपना कैमरामैन से बोलती हूं थोड़ा पैनिक करके दिखा दे लोगों में नाच के और जिस तरह से नाच नाच के खुशी मना के आए बप्पा को विदा कर रहे हैं वो दृश्य जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव दृश्य जो है ये अभी देख रहे हैं हम जियापोता घाट चनाब के चंद्रभागा तट पे हैं जहाँ पे दूर दराज से लोग जो हैं आज यहाँ पे गणपति विसर्जन जो है वो करने के लिए यहाँ पे पधारे हुए हैं। देख रहे हैं मेरे पीछे कि किस तरह से गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो लग रहे हैं आज हर एक के चेहरे पे धूमधाम है क्योंकि बप्पा की विदाई जो है वो यहाँ से आज जियापोता घाट से चंद्रभागा के करीब जो है इस तट पे है और यहाँ पे आज बप्पा की विदाई के लिए काफी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं और नाच के गा के और बप्पा के नारे लगाते हुए आज गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू चल दिया इस तरह के नारेबाजी जो है आज हो रही है। एक खुशी की लहर जो है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से आज खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं 10 दिन के पप्पा को 10 दिन में रख के आज पप्पा की विदाई जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है क्योंकि 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद आज बप्पा जो है उनको आज यहाँ से विदा कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हो लाइव दृश्य जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और सीधी बात करने की कोशिश भी करेंगे। दिलों में एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है।
अपने बप्पा की विदाई के लिए दूर दराज से लोग जो हैं आज गणपति विसर्जन के लिए यहाँ पे आए हैं। पूजा अर्चना की जा रही है और कहीं ना कहीं प्रतिमा जो है वो आज चंद्रभागा नदी के तट पर यहाँ पे जो है यहाँ पे विसर्जन किया जाएगा। काफी तादाद पे जो भीड़ जमा है, जो लोग हैं, एक खुशी की लहर जो है इनके बीच में है। बात इन्हीं से भी करेंगे किस तरह की आज आप देखते हैं आज गणपति विसर्जन है और किस तरह का आप संदेशा जो है वो लोगों तक देना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जम्मू वासियों को, सारा लोग देख रहा है। कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से। जम्मू से आए हैं? जम्मू से आप? तरकुटा नगर से। हर वर्ष आते ही? हाँ जी, हर साल। कहीं ना कहीं लोगों में एक खुशी की लहर है। आज लोग छोटे गणपति हो जहाँ उनकी प्रतिमा बड़ी हो, लेकिन आज चंद्रभागा में आपको बता दूं, फिर आपको कैमरा पैनिक करके दिखा रहे हैं, चंद्रभागा के तट पर लोग जो हैं विसर्जन करने के लिए इस समय उपस्थित हैं और सुबह से ही ये भीड़ जो है हम जियापोता घाट में देख रहे हैं कि उमड़ी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आज बप्पा की विदाई को लेकर अगर खुशी है तो कईयों के दिलों में आज एक निराशा भी होगी, क्योंकि इतने दिन बप्पा को अपने घर पर रख के पूजा पाठ करके आज विदा करने का जो टाइम है वो आ गया है। नहीं, किस तरह से देखते हैं आज, क्या मैसेज, क्या संदेशा जो है वो देना चाहिए? आज मैं मैसेज ये करना चाहता हूँ, हर साल सब लोग रखते हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है, तो अगले साल भी बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए ऐसा। फिर आपको बता दें लोग जो है आरती पूजा जो है वो शुरू होगी, अंतिम आरती आज यहाँ पे की जा रही है और इसी के साथ विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव में। गणपति बप्पा मोरिया के जो गूंज है वो हर तरफ घूम रही है। एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार। इसी तरह के जो आज भगत जन है, यही एक वाणी लेकर, यही एक प्यार भरा संदेश लेकर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। इसी के साथ आज यहाँ पे सुबह से ही भक्तों जनों की जो भीड़ है वो चंद्रभागा के किनारे लगी है, जहाँ पे बड़ी धूमधाम से गणपति का जो विसर्जन है वो किया जा रहा है। ये अपने घरों से अभी गणपति बप्पा को जो है वो लाया जा रहा है, ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते आज गणपति बप्पा जी को विसर्जन के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। कैसा लग रहा है? और एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ी हुई है। गणपति बप्पा मोरिया, कैसा लग रहा है आज विसर्जन के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल, बहुत खुश है। कोविड चल रहा था, महामारी का समय था, क्या लोगों तक संदेशा जो है वो इस बार देना चाहेंगे? बाबा सब खत्म करेंगे, कोविड कुछ नहीं होगा, बाबा सब खत्म करेंगे। बप्पा की विदाई जो है वो किस तरीके से की जा रही है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जुड़े रहिए दैनिक सेट समाचार के साथ, जो हर पल पल की खबर जो है वो आप लोगों तक पहुँचा रहा है। अभी झांकियाँ जो है वो जियापोता घाट में चंद्रभागा के करीब आ गई है। स्वागत की तैयारियां कुछ इस तरह से देख सकते हो, आज सुबह से ही लगी हुई है। क्रैकर जला के पप्पा को आज विदा करने की खुशी जो है वो दौड़ उठी है। काफी तादाद पे लोग जो हैं वो पप्पा को विदा करने के लिए आज जियापोता घाट पे यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे अब एक चेन बनाई जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हो ये कलश जो है आपको दिखा रहे हैं, ये कलश लेके पहले आगे आगे कलश चलेगा और उसके साथ ही पप्पा को यहाँ से विदा किया जाएगा। पप्पा को विदा करने के लिए लाया जा रहा है और काफी तादाद में लोग जो हैं वो आज उमड़ पड़े हैं, खुशी की लहर जो है वो दिखाई दे रही है। गणेश चतुर्थी के दिन पप्पा की स्थापना की जाती है और 10 दिन की पूजा के बाद आज पप्पा को विदा किया जाता है। ये अब आपको हम दृश्य, लाइव दृश्य, शाम का वक्त है और लाइव दृश्य जो है ये आपको दिखा रहे हैं। अब पप्पा की आरती पूजा की जाएगी और पप्पा को विदा किया जाएगा। आपको बता दें हमारे साथ काफी लोग पप्पा की विदाई के लिए आए हैं, यहाँ पे तैयार हैं और लोग नाच नाच के जो है पप्पा की खुशी मना रहे हैं। क्या कहेंगे, आज विसर्जन है, 10 दिन की पूजा के बाद आज गणपति को विदा किया जा रहा है, क्या संदेश है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी शहरवासी हैं हम सभी का साथ दें और इस उत्सव को बढ़ चढ़ कर करें ताकि आने वाले
ये लगातार आगे चलता रहे। शहरवासियों के लिए देना चाहेंगे? मैं राबिया जी आपके माध्यम से हमारे जितने भी शहरवासी हैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि अखनूर में एक ऐसी प्रथा अब चल पड़ी है कि महाराष्ट्र की तरह यहां भी बहुत सारी जगह जगह पे गणपति भगवान रखे जाते हैं, लेकिन मेरी और मेरे जितना भी ये हमारा मंडल है इनकी यही सभी से प्रार्थना है कि एक जगह सभी इकट्ठे होकर अगर गणपति जी का एक विशाल स्वरूप रखा जाए, इससे बेहतर अखनूर के लिए मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं अखनूर वासियों को यही कहता हूँ कि सभी एकजुट होकर यहाँ पर गणेश उत्सव मनाएं। जगह जगह छोटे 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 गणेश भगवान रखने से एक ही जगह पर सभी एकत्रित हों और एक ही जगह पर मनाए जाए। धन्यवाद। अगले बरस तू जल्दी आप एक संदेशा शहरवासियों के नाम कि कोविड से जल्दी जल्दी मुक्ति मिल जाए और हर साल गणपति बप्पा इसी तरह आए। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खजूरिया दैनिक सेठ समाचार के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।